इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। अभी तक 196 देश इसके चपेट में आ चुके हैं और 18,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 4,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जाकर के थमेगा। भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन है। अमेरिका परेशान है, वहाँ पे मरने वालों की संख्या 500 पहुँच रही है। इटली में जो है 7,000 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। चाइना में 3,500 के आसपास। अब इसी में दुनिया उलझी हुई है, कैसे इसको काबू किया जाए। लेकिन एक सवाल उभरता है, वो ये कि आखिरकार हर 100 साल बाद क्यों महामारी आती है। कोरोना ने तो अभी कोहराम मचाया है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बुजुर्ग भी इवन कह रहे हैं कि ऐसी महामारी और ऐसा प्रभाव नहीं देखा था। चूंकि ग्लोबल विलेज दुनिया हो गई है, इसलिए उसका प्रभाव भी ग्लोबल हो गया है। तो कोरोना के से तो हम 2-4 हो रहे हैं, इसलिए इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बट इससे ठीक 100 साल पहले आया था स्पेनिश फ्लू। उसमें जो कहा यह जाता है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ लोग मारे गए थे, और फैला तो था वैसे ये फ्रांस में एक जगह है, वहाँ से ये फैला था। और इसका नाम जो है स्पेन में जाकर के ठीक से पता चला तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू हो गया। इस वजह से स्पेनिश फ्लू के नाम से ये जाना जाता है। हुआ ये था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जब सैनिक वापस लौट के जा रहे थे अपने अपने देशों को, तो कहते हैं कि उन्हीं से ये फैला था। और उसके बाद ये धीरे धीरे पश्चिमी देशों से होते हुए स्पेन, और स्पेन में स्पेनिश फ्लू के नाम से ये जाना गया। और जो है 2 से 5 करोड़ लोग इसके मारे गए थे। भारत भी इसे काफी प्रभावित हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जनगणना हुई, तो जनगणना में सामान्य तौर से जनगणना में अधिक आबादी आती है, लेकिन वो आबादी घट गई थी। यदि ठीक इसके 100 साल पहले और चलेंगे तो 1820 में जो है कॉलरा बीमारी आई थी, महामारी आई थी। उसमें जो है 1820 में एशियाई देशों में ये फैला था। इसमें जापान, फारस की खाड़ी, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मारिशस, सीरिया आदि प्रभावित हुए थे। और इसके बाद जो है इसने महामारी का रूप ले लिया था। और जो जावा में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, 1,00,000 लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से 1820 में भी महामारी आई, और उससे पहले 1720 में प्लेग फैला था। ये यूरोप में यूं तो हुआ, और इसे द ग्रेट प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने यूरोप की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को छीन लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि 8 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 5 करोड़ के, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन ये जो जहाँ पे आउटब्रेक हुआ था वो फ्रांस की जगह है, इसे मर्सिले बोलते हैं, यहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ था और यहीं पे 1,00,000 लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से ये सबसे पहले सबसे बड़ी महामारी थी। और 400 साल पहले यूरोप की जनसंख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, और ये में इस महामारी ने यर्सिनिया पेस्टिस नाम के वायरस की वजह से ये फैली थी। मेडिकल भाषा में इसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया, क्योंकि इससे ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में फोड़े जैसा उभार और सूजन होती है, जिसे ब्यूबोन्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि 1720 से ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके बीच बीच में भी महामारी आई, लेकिन उसका प्रभाव एक या 2 देशों के, मतलब उसकी भौगोलिक सीमा रही, लेकिन ये महामारियाँ बड़ी रही। अब सवाल ये उभरता है कि आखिरकार 100 साल बाद ये महामारी क्यों आती। तो कहते ये हैं कि प्रकृति अपने हिसाब से संतुलन कायम करती है। जिस तरीके से पूरी दुनिया, यानी कि हम जिसको मॉडर्न वर्ल्ड बोल रहे हैं, विकास की जो परिभाषा गढ़ रही है और जो विकास कर रही है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर रही है। जीव जंतु और जानवरों को ईश्वर ने इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम उसको मारें और खाएं। उनको ईश्वर ने पैदा किया है, जीव जंतु, पहाड़, जंगल, सब कुछ इसलिए बनाया है कि वो प्रकृति के साथ संतुलन कायम करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि अपने स्वाद के लिए, अपनी सुविधा अनुसार हम उसको अपने हिसाब से उसको भोजन बना लिए। नतीजा ये हुआ कि अभी जो 2020 का कोरोना वायरस फैला है, वो कहते हैं कि चमगादड़ से जो है ये शुरुआत हुई, और उसके बाद से जो है और जानवर में गई, और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होती चली गई ह्यूमन बीइंग में। तो अब जो वहाँ का सी फूड मार्केट है वुहान का, उसे चीन ने बंद कर दिया है और कह रहा है कि अब जो है इसको जो है अब हम नहीं अलाउ करेंगे। बट ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आई, चीन जो है नहीं माना, लोग खाते रहे,
तो जब तक हम प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना करके नहीं चलेंगे, जब तक जीव जंतु पेड़ पौधों की हम रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसी महामारियों से जूझते रहेंगे। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं और जीव जानवर जंतु जो भी हैं, जो मिल रहा है उसी को खा रहे हैं, उनको अपना स्वाद बना रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है, इस महामारी ने हमें हमको एक अल्टीमेटम दिया है कि ये सब छोड़िए और जो है आप जो है जिस तरीके से ग्लोबल विलेज हुई है दुनिया, उसी तरीके से बीमारियां भी ग्लोबल विलेज हो गई हैं और हम नहीं सुधरे तो फिर ऐसे ही अटैक प्रकृति के हमें झेलने पड़ेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।